मेरा नाम अरुण कुमार जैन है, मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं। मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है कि हम इसमें जमीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है। लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं, क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते, क्यों? क्या इंसान इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शरायतें कुछ चीज़ों के लिए, मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शरायत है कि फ़ुकारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मौल्ला और फुतुल कुलूब, गारेमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्न सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए नहीं दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं, क्योंकि मस्जिद एक फ़र्ज है मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना के ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना के जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं, ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते हैं और अपने अच्छे अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि यहां कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। नो, कैंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहां सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो, वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फर्ज है क्या? वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाजत है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मजहब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात क्या अलग बात है? अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है, सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीज़ों के लिए शरायत है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो, तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पे यकीन करता हूं, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।